भाई 20 सेकंड में बॉम्ब फटने वाला है, जल्दी फेंकना पड़ेगा उसको। भाई 13 सेकंड। What's up guys, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मिथिलेश और आज हम खेलेंगे तो आज हम कंटिन्यू करेंगे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और आज का होगा गेम प्ले नंबर 3। आज का गेम प्ले शुरू करने से पहले देख लेंगे कि पिछले गेम प्ले में क्या हुआ था। तो पिछले गेम प्ले में स्पाइडरमैन बढ़िया आराम से टहल रहा था, उतने में उसके दोस्त गैंगी का उसको कॉल आता है और बोलता है कि रॉक्सन की जो कंपनी है वहां पे कुछ उथल पुथल एक्टिविटी दिख रही है। हम रॉक्सन कंपनी के अंदर जाते हैं, उतने में हमें कांच टूटने का आवाज आता है। हम अंदर जाके देखते हैं तो बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, उतने में वहां पे एक बड़े से आर्मर लेके इंसान आता है और स्पाइडरमैन को कांच तोड़ के नीचे पटक देता है। ये देख के तो भाई माइल्स का दिमाग खराब होता है और जो जो रास्ते में आता है सबको पटक पटक के मारता है, उड़ा उड़ा के मारता है। फिर वहां से उड़ के दूसरे बिल्डिंग में जाता है, वहां पे भी लोग को पटक पटक के उठा उठा के मारता है। ये सारे सुपर टेररिस्ट को कुचलने के बाद माइल्स को मालूम पड़ता है कि ये लोग रॉक्सन कंपनी में उनका शिपमेंट चुराने आए थे, लेकिन नाकामयाब हो गए। उतने में रॉक्सन सिक्योरिटी वहां पे आ जाती है, स्पाइडरमैन बोलता है कि अब तुम्हारा काम है तुम संभालो और स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। अगर आपको ये गेम प्ले देखना है तो वीडियो एंड स्क्रीन पे लग जाएगी। स्पाइडरमैन के साथ साथ हमारे GTA 5 का और एक गेम प्ले शुरू है, अगर आपको GTA 5 में इंटरेस्ट है तो प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पे लग जाएगी। लेजी गेमिंग सेटअप पूरा रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी, तो चलिए ट्रेन चलाते हैं। फिर से बन गए स्पाइडरमैन, बढ़िया। माइल्स के पास कुछ काम नहीं है तो ऊपर से लड़कियां ताड़ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी खाली बैठा था माइल्स तो उसने अपने फोन में डाल दिया है एक ऐप। इस ऐप पे अगर किसी को भी कुछ भी काम हो, अंडे लाना हो, बिल्ली उठाना हो, दादी को रोड क्रॉस कराना हो, इस पे वो मैसेज कर देगा और माइल्स अपना काम कर देगा। ठीक है, कोई तो भी ने मैसेज किया है, माइल्स के ही अंकल ने रिक्वेस्ट डाला है उस पे काम के लिए। माइल्स का स्पाइडरमैन बन के कुछ काम नहीं हुआ, उसके घर वाले ही उसको काम बता रहे हैं। चाचा माता के काम तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है चाचा है अपने तो जाना पड़ेगा। भाई चाचा पास में ही था तो सीधा उसके सर पे लैंड करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइल्स का चाचा माइल्स समान दिखता है बट ऑब्वियसली। ठीक है, माइल्स थोड़ा आवाज बदल के बात कर रहा है। भाई ट्रेन के सिग्नल में इशू है। चाचा है कि भतीजा है, क्या बात कर रहा है ये? ट्रेन के सिग्नल में प्रॉब्लम है तो भाई इंजीनियर को फोन करो, स्पाइडरमैन को फोन बुलाता है। अब तो भाई तुम कलंडे बुलाने के लिए भी कर लोगे ऐसे कॉल, छोड़ो। लेकिन चाचा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। भाई चाचा ने 3 किलोमीटर दूर का काम बता दिया। भाई माइल्स इतना भी फुकट नहीं चाहिए था यार, सबसे बढ़िया था तो अपना वो टॉमी मैकगुएर। सुबह को बढ़िया दुनिया बचाता था, रात को बढ़िया रोमांस करता था यार। ए माइल्स नहीं परवड़ा मेरे को ये, लेकिन चल रहे हैं। बहुत सही, अपना माइल्स स्टंट भी मार सकता है हवे में। भाई अपना चाचा खुद अपने में डिसअपॉइंट हो गया, उसने बोला दूसरा वाला स्पाइडरमैन नहीं है क्या? भाई पीछे देखा क्या? एवेंजर्स का साइन लगा हुआ था दीवार पे। सही है, आई होप एक बार थोड़ा आयरन मैन वगैरह भी आ जाए यार आप। ठीक है, पास में ही अभी 1 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई इनके सिटी का सीनरी बहुत जबरदस्त दिख रहा है, बढ़िया पेड़ है, लोग साइड में जा रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुत्ते रस्ते पे हंसते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, स्पाइडरमैन का पूरा बम घिस जाता रस्ते पे अगर इंडिया में होता तो। बस पास में ही पहुंच गए, ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कूद के जाना पड़ेगा। चलो 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 कूद गए बिल्डिंग। भाई आगे और एक बिल्डिंग है, वो भी कूद के जाना पड़ेगा। बस पहुंच गए क्या? नहीं नहीं नहीं, और 200 मीटर किधर तो भी जाना है, यहाँ पे ही है क्या? हाँ यहीं पे है। परफेक्ट जगह पे लैंडिंग।
यहाँ पर कुछ तो भी घोटाला हो रहा है भाई, पूरा स्पार्क मार रहे हैं। मैं स्पाइडरमैन हूँ तो मैं तो बोलता यार भाड़ में जो है ये काम इंजीनियर्स का काम है, वैसे मैं भी इंजीनियर हूँ लेकिन इंजीनियर का काम करना पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो है, जो भी है उस सवाल का जवाब इस कमरे के अंदर मिलेगा। दरवाजा खुलता है क्या? ऐसे नहीं खुलता, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ देंगे। अरे भाई फिर से आ गए ये लोग। अरे इसको पंच ही नहीं बैठा भाई, अब भी बैठा। राम लीला के कपड़े पहन के आ जा रहे इधर उधर से। देखते हैं, कंप्यूटर के ऊपर डिवाइस रख गया था तो नेटवर्क जाम हो रहा था। चलो डिवाइस हमने खराब कर दिया, अपना सिग्नल रिले ऑनलाइन हो गया भाई। चाचा को जाके टपली मारने की इच्छा, और ये बहुत ही फालतू काम बताया उसने। लेकिन कुछ डब्बा दिख रहा है हमें यहाँ पे, बढ़िया लाइट लगा है उसमें, जाके देखते हैं उसमें क्या है भाई। गैजेट बिल्कुल चाहिए गैजेट हमें, क्यों नहीं चाहिए गैजेट। अब इसको कहाँ पे डालेंगे हम? अच्छा हम इससे अपना खुद का वो स्पाइडरमैन वाला जो है वो कर सकते हैं बड़ा, बहुत बढ़िया। फोकट में अगर मिल गया तो क्यों नहीं। अच्छा पूरे सिटी में बहुत जगह पर ऐसे डब्बे पड़े हुए हैं, एक एक करके सारे ले लेंगे, स्पाइडरमैन को सुपर स्पाइडरमैन बना देंगे भाई। भाई कुछ तो है। अरे फिर से आ गए रही है लोग। देखो अपना हेलो ड्रोन किया था हमने ये सब को करके। ठीक है भाई, पीटर पार्कर ने अपने लिए ट्रेनिंग के लिए कुछ बॉट्स बनाए थे, लेकिन हम उसे अभी अपने ही लिए यूज कर सकते हैं। ये ले सुपर पंच भाई, ये तेरे को भी उड़ा के देखूंगा, मारूंगा। ये ले खत्म, इसको हवे में ले जाके ये गुद्दा 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 सुपर पंच, ये सीधा नेट के बाहर छक्का भाई। बम 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 फोड़ेगा, बम फोड़ेगा तेरी तो। ये ले तू गुद्दा ले, तू गुद्दा ले, ये तो तू फिनिशर मूव ले सीधा सर पे। ये भाई ये तब से गोली मार रहा है, तब से गोली मार रहा है। और कौन है यहाँ पे आसपास कोई है क्या? हाँ यही भाई, गोली मारी भाई ये तो, जिसने भी गोली मारी उसकी तो मैं बुआ को नमस्कार करूंगा पहले तो, और फिर उसको गाली मारूंगा भाई। लाइफ बहुत कम है, लाइफ बहुत ही कम है भाई। टीनेज है यार अपना स्पाइडरमैन, उसके ऊपर गोली चला ले ये लोग। कोई बचा नहीं, चलो सब खत्म। अपनी ट्रेन भी शुरू हो गई, अब गुस्सा निकाल दूंगा पूरा यहाँ पर। ठीक है चलो, ट्रेन का काम हो गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ट्रेन निकल नहीं रही वहां से, तो जहाँ पे ट्रेन अटकी हुई है वहां पे जाके देखना पड़ेगा भाई। इनकी मेट्रो शुरू होके खराब हो गई, हमारी मेट्रो 10 साल से बन रही है, अब तक शुरू ही नहीं हुई। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर मेट्रो शुरू ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हमारी गवर्नमेंट को जल्दी समझ गया ऐसे भाई। और एक किलोमीटर लटकने तक जाना है, ये स्टंट मारते हुए जाएंगे। ये भी ले, बहुत बढ़िया स्विंगिंग, बहुत बढ़िया है हमारे स्पाइडरमैन। और एक बड़ी से बड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी हमें,
सुपर स्पीड में क्रॉस करेंगे। ये पंछी या ठीक है, भाई स्पाइडरमैन रुक गया है बिल्डिंग के ऊपर एकदम, उसको लटकने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है 200 मीटर वो आगे वो वाली बिल्डिंग पे है जो भी है, जाके देखते हैं यहाँ पे क्या सी है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे ट्रेन में कार्डिया कर रहे हैं लोग। ठीक है डेंजर है, डेंजर है, एलटी से एम कर देंगे, थोड़ा सा वेब शूट कर देंगे। नहीं हाँ उसका ध्यान वहाँ पे चला गया, तो इसको सीधा ऊपर लेके मसाला बना देंगे इसका। ये बहुत से किसी को मालूम नहीं पड़ा, इसको भी कर सकते हैं हम। ये सीधा टेक डाउन, किसी को दिखा क्या, किसी को दिखा क्या, किसी को दिखा क्या, याद भागते हैं जल्दी। नहीं किसी को नहीं दिखा। ठीक है ओके ये फ्री है, इसको पकड़ के सीधा पंच मारते हैं भाई वापस से अपनी जगह पे। भाई 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 भाई, 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 भाई सबको पता चल गया हम इधर है। ठीक है बहुत गोलियां मार रहे हैं ये लोग, ये यहाँ पे तो सीधा हवा में उड़ा दूंगा सबको। बहुत बढ़िया, इसको तो फिनिशर देंगे। ये भी गया, ये इसके नीचे से जाके पीछे से खत्म, इसके भी नीचे से जाके पीछे से खत्म। भाई स्पाइडरमैन की लाइफ बहुत कम है, इसको देंगे हम ऊपर ही फिनिशर। अब कहाँ पे है लोग, पीछे है क्या लोग। ये बॉम्ब मार रहे, गोलियां मार रहे भाई, इसको तो हवा में ही मारूंगा मैं। इन्हें तू फिनिशर ले, खत्म। कोई बचा है क्या भाई यहाँ पे, कोई बचा है, नहीं बचा है तो आ जाओ, नहीं आ जाओ, नहीं बचा है, कोई नहीं बचा। ठीक है तो ऊपर जाके देखना पड़ेगा एक बार क्या मसला है। यहाँ से अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या लिखा है दीवार पे। भाई ये टिंकरर, टिंकरर बोल रहा है यहाँ पे। भाई पूरे कंप्यूटर का कपड़ा कर दिया इन लोगों ने, पूरा ट्रेन इधर उधर कर दिया, एक पटरी के बीच में, एक हवा में लटका दिया, एक नीचे कर दिया। अब इन तीनों ट्रेन को जोड़ना पड़ेगा और उसको पावर देना पड़ेगा। चलो जल्दी करते हैं, इसको यहाँ पे खींचा। ठीक है अब इसको फिर से यहाँ पे खींचेंगे और इसको यहाँ से मतलब अपने सिटी के लिए निकलेगी ट्रेन, तो इसको यहाँ पे थोड़ा खींचना पड़ेगा। अरे कूद कूद बाजू में जा, अरे भाई बच गया, ट्रेन आने वाली थी अपने आंख पे। अभी वो वाली ट्रेन लाना है हमें, ये वाली ट्रेन लाना है, तो इसको फिर से घुमाना पड़ेगा। बढ़िया बहुत सही, अब इसको फिर से एक बार घुमा दिया तो बस ये दो ट्रेन हो गए जॉइंट। अब ये है हमारी ऊपर का ट्रेन का प्रॉब्लम, तो इसको करना पड़ेगा ऐसे नीचे। बहुत बढ़िया हो गया नीचे, फिर से ऊपर जा रही है। नहीं इशू क्या है इसका, तो इसको नीचे करना पड़ेगा और उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। पूरे ट्रेन रास्ते पे आ गए, अब इनको देना पड़ेगा पावर।
busted the controls here too. यहाँ पे है अपना पावर का, यहाँ पे एल बी एक्स कर लेते हैं। अरे सुपर पंच मार दिया सीधा। I can use that to power the trains. Probably. My webs are conducting. अभी क्या करना है? पावर, अरे भाई वायर जल गया सारे। ठीक है, यहाँ से एम करते हैं। यहाँ पे आरटी से ठीक है, यहाँ पे मार दिया और यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। भाई हमारा वेब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बहुत बढ़िया। हमारी पावर भी इलेक्ट्रिसिटी की है, सब कुछ हटके दे देंगे फ्यूचर में। अरे निकल गई भाई अपनी ट्रेन, बहुत बढ़िया, हो गया पूरा काम। भाई ये गुंडे लोग लेकिन ट्रेन रोक क्यों रहे थे? भाई ये ट्रेन तो छूट गई लेकिन पटरी पे कोई लोग कचरा कर रहे हैं ऐसा सुना है मैंने, वहां पे जाके देखते हैं अभी। भाई अपने पीटर का कॉल आ गया, यूरोप से कॉल कर रहा है वो। सही है, वो अपने एमजे के साथ गया पार्टी करने, और अपना भाई सिंगल माइल्स यहाँ पे ट्रेन चालू कर रहा है। बुरा लगता है अपने माइल्स के लिए कभी कभी। भाई अपना गैंग की भी बोल रहा है कि सबवे के पास बहुत सारा इशू हो रहा है, बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं किसी बात के लिए। चलो वहां जाके देखते हैं अभी क्या इशू है इनको। तो भाई ये लोग कंप्लेंट बहुत कर रहे थे यार, मतलब कुछ नहीं रहते किसी चीज में। ठीक है, तो हमारे सेंट्रल पार्क के बीच में से जाना है। क्या बढ़िया बर्फ गिरा है भाई। भाई इतने छोटे छोटे पेड़ इनके बीच में से लटक के जाना पड़ रहा है, तो फिर भी माइल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही पास पहुंच गए, बस एक किलोमीटर के अंतर पे। अरे भाई ये लोग बॉम्ब बॉम्ब डाल रहे हैं रास्ते पे। अपने अंकल आयरन का कॉल आ गया हमें। भाई इनको तो भी अच्छा मजाक सिखाना पड़ेगा। बस पहुंच ही गए 200 मीटर के डिस्टेंस पे, यही पे है। पहुंच गए भाई, इनकी बंदूकें क्या जबरदस्त है यार। भाई इनको तो वेव मारूंगा मैं। फिनिशर ले भाई तू, आंटी बाल बड़ा के आ गई यहाँ पे, ये तू पंच ले। भाई एक मिनट में बॉम्ब फटने वाला है, उससे पहले उसको फेंकना पड़ेगा। ये ले सीधा फेंक दिया बॉम्ब, बहुत बढ़िया। भाई ऊपर के ट्रैक पे भी है, ऊपर के ट्रैक पे भी है। चालीस सेकंड बाकी है बस बॉम्ब फूटने के लिए। सीधा सुपर पंच,
भाई लाइफ कम है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भाई। 20 सेकंड में बॉम्ब फटने वाला है, जल्दी फेंकना पड़ेगा उसको भाई। 13 सेकंड ये फेंक दिया, हाथ ही नहीं लगाने देते भाई। नीचे और बॉम्ब है ये, पहला बॉम्ब फेंक दिया वहां पे, उसको हवे में ही ब्लास्ट कर दिया भाई। और एक बॉम्ब है यहीं पे, पीछे से ले फटता साला, ब्लॉक कर रहा है तब से, इसको तो हवे में मारेंगे। इसको भी नीचे से पीछे से सुपर पंच। दूसरा बॉम्ब किधर है? अब वो है बॉम्ब उठा के फेंक दिया इसको तो। फिनिशर दे दिया उसको, इसको भी हवे में ही देंगे हम जो भी देना है। कौन बचा है अभी? ये भी क्या? इसको तो फिनिशर खत्म। और कोई बचा है क्या? ये ले। मार के दूसरे के गच्चे पे लेके गए इसको। गोली मारेगा पुलिस को, गोली मारेगा। यहाँ पे भी है ये सीधा इसको ठूक करके मारते हैं। कोई बचा है क्या? नहीं बचा। एरन अंकल अपन को थैंक यू बोल रहे हैं, चलो अभी अंकल से मिलने जाते हैं हम। ये मेट्रो शुरू हो गई, सब लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया भाई। सूट में बढ़िया सा मोड आ गया अपना। ये कौन सा है? अटैक आफ्टर परफेक्ट डॉच का है, इसको अपन रिचार्ज कर देंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने अंकल एरन से मिलने गए हम लोग। वैसे हमको लगा था कि अंकल एरन फालतू काम देंगे, लेकिन अच्छा काम किया उसने, मतलब मजा तो आ गया। ये 1 साल का फ्री मेट्रो कार्ड, फ्री का चीज किसको नहीं पसंद भाई। कार्ड पे अपना नाम है, अंकल को मालूम पड़ गया अपन माइल्स मोरालेस है। अरे अंकल को नहीं मालूम पड़ना था यार, मतलब पूरे दुनिया को मालूम पड़ गया अच्छा रहता, लेकिन परिवार वालों को कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अंकल बोल रहा है कि इसको बताएगा नहीं, चलो ये बात अच्छी है। चलो प्रॉमिस कर लिया अपना, सही है। थैंक यू अंकल, अंकल को छुट्टी दे देंगे जल्दी। स्पाइडरमैन पोज में भी है, अच्छा स्पाइडरमैन सीधा हो गया। चलो किस का सीन नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है, इतने कम उम्र में ज्यादा स्टंट वगैरह मत मारो, थोड़ा सेफ रहो, ऐसे ज्ञान दे रहे, लेकिन ठीक है भाई। आज सिटी के दुश्मन को मार दिया हमने अब तक, फालतू का ज्ञान लेने के लिए बैठे क्या भाई? ये सूट हमको पीटर पार्कर ने दिया, थोड़ा से गर्दन से और हाथ से ना थोड़ा सा तो कार्टूनिश लग रहा है, फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं अंकल को थैंक यू बोल के, सब लोग खुश है, अपना मिशन यहाँ पे कंप्लीट, बहुत बढ़िया भाई। बहुत सारे मिशन है और यहाँ पे देखेंगे कौन सा मिशन कब करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले गेम प्ले में। ये था आज का गेम प्ले। स्टार्टिंग में हमें लगा कि छोटा मोटा ट्रेन का मिशन होगा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ वहाँ बॉम्ब लगे हुए हैं, तो माइल्स ने दुश्मनों को मजा चखा दिया और सारे बॉम्ब हवा में डाल के फोड़ दिए। अंकल एरन को पता चल गया कि माइल्स स्पाइडरमैन है, लेकिन वो किसी को नहीं बताएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, लाइक बटन दबा दिया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए विथ मैक।